प्रिय किसान बंधुओं, नौजवान साथियों, आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी हम सब लोगों को कुछ वर्ष पहले तक ऐसा महसूस होता था कि यह गुलामी की जंजीरें, गुलामी की बेड़ियां कैसे टूट पाएगी। राजस्थान के अंदर जैसे ही हनुमान बेनीवाल जी ने बड़ी रैलियों का आगाज किया और ऐसा महसूस कराया कि राजस्थान के अंदर भी अपना क्षेत्रीय दल होगा, किसानों की पार्टी होगी जो नौजवानों के सपने की बात करेगी, किसानों के सपनों को पूरा करने की बात करेगी, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, टोल मुक्त राजस्थान बनाने की बात करेगी। और आज आदरणीय नेताजी के 30 साल के संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि हनुमान बेनीवाल जी सदियों के बाद राजस्थान की धरती को एकमात्र ऐसे लड़ाके मिले हैं जिन्होंने हमारे जैसे हजारों नौजवानों को गांव गांव, गली गली और गरीबों की, पीड़ितों की, शोषितों की लड़ाई लड़ने को तैयार कर दिया। मैं नेताजी को कहना चाहता हूं कि या तो चौधरी चरण सिंह या ताऊ देवीलाल के बाद 1980 के बाद दूसरी पीढ़ी के नेता अगर किसी नेता ने तैयार किए तो वो नेताजी आपने किए, आपकी आज की लगाई गई नर्सरी। मैं आपसे वादा करता हूं ये भविष्य के बहुत बड़े नेता आपके बनेंगे और किसानों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। गांव के अंदर इस तपती धूप के अंदर पिता तुल्य बुजुर्ग जो आज 60 साल से अधिक आयु के लोग हैं, अधिकांश बुजुर्ग जो पगड़ी बांधे बैठे हैं, आज आप हनुमान बेनीवाल जी के 30 साल के संघर्ष को आशीर्वाद देने आए हो। निश्चित रूप से बदलाव होगा राजस्थान में, यह बदलाव बहुत शानदार साबित होगा और किसानों की, नौजवानों की सरकार बनाने तक का काम करेगा। साथियों, अभी का ताजा उदाहरण देता हूं, राजस्थान की धरती पर एकमात्र नेता है जो गरीब को गणेश मानकर सेवा करने का संकल्प लेकर घर से निकलते हैं। आज से चार दिन लगातार कल ही धरना समाप्त हुआ है। एक बावरी परिवार का बच्चा पुलिस कस्टडी में, उसकी मौत होती है और नेताजी का एक छोटे से परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए टेलीफोन आता है कि तत्काल प्रभाव से आप मोर्चरी पहुंचो। हम लोग मोर्चरी गए, मेड़ता कॉन्स्टिट्यूंसी का बच्चा था, मेड़ता की विधायक हमारी बड़ी बहन इंदिरा बावरी भी 3 दिन बीकानेर धरने पर रही और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम अगर किसी नेता ने किया तो हनुमान बेनीवाल जी ने किया। लोन करंसर के अंदर आज से कुछ दिन पहले ऐसी किसान महापंचायत का आयोजन हुआ था, लोन कैंसर की धरती पर भी अगर ब्राह्मण परिवार के किसी बच्चे की मौत टोल कर्मियों की अनदेखी से होती है, अगर उस परिवार को अगर किसी ने न्याय दिलाया तो हनुमान बेनीवाल जी ने दिलाया। हिरण शिकार प्रकरण में 40 हिरणों को मारने वाले भ्रष्ट रेंजर को सस्पेंड करवा के और जीव प्रेमियों की भावनाओं को मजबूत करने का अगर काम किया तो हनुमान बेनीवाल जी ने किया। बजरी माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, पेपर लीक के माफियों के खिलाफ हर प्रकार से हनुमान जी ने राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाई है। मैं नेताजी को इतना ही भरोसा दिलाता हूं कि आपका संघर्ष हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे। बीकानेर के नौजवानों की तरफ से आपको भरोसा दिलाते हैं नेताजी, अगर जरूरत पड़ी हमारा तन न्योछावर, हमारा मन न्योछावर, हमारे पास जितना है वो धन न्योछावर। आप सब लोग आशीर्वाद देने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।